तो जैसे अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स पे आओ, न्यूमेरिकल्स ऑफ क्या, ऑल्टरनेटिंग जो एसी हमने करंट किया या ईएमएफ की, उसकी मीन वैल्यू, उसकी आरएमएस वैल्यू, उसके ऊपर, तो उसमें बहुत सारे करंट्स हैं। बहुत सारे करंट्स में सबसे पहली चीज़ ये कि जो पहला जो पॉइंट है इसमें, अगर मेरे घर में वोल्टेज एसी 220 वोल्ट आ रही है, तो ये कौन सी 220 वोल्ट है? क्या ये मैक्सिमम वोल्टेज है? क्या ये मीन वोल्टेज है? क्या ये आरएमएस वोल्टेज है? क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है? कौन सी वोल्टेज है? तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ गिवन नहीं है, तो ये आरएमएस वोल्टेज है, याद रखना, ये आरएमएस वोल्टेज है। बाय डिफॉल्ट वोल्टेजेस क्या होती हैं? आरएमएस होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट कि जब आपके पास बहुत सारे करंट्स हैं, तो कौन कौन से करंट्स हैं? जैसे सपोज करो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसके अंदर ये कौन सा करंट है? मैक्सिमम करंट है। ये कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट है ना। ये कौन सा करंट है? आरएमएस करंट है। ये कौन सा करंट है? मीन करंट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से करंट में न्यूमेरिकल चल रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज, जो एवरेज करंट है वो क्या होता है? 2/π टाइम्स आई नॉट या 0.67 आई नॉट। फॉर्मूला क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट, आरएमएस करंट जो होता है आई नॉट बाई रूट टू या 0.707 आई नॉट। आरएमएस करंट को अफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, किसी न्यूमेरिकल में आरएमएस होगा, किसी में वर्चुअल होगा, किसी में अफेक्टिव होगा, एक ही बात है। तो अफेक्टिव, वर्चुअल, आरएमएस, एक ही बात है, ठीक है यहां तक? तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन में इलेक्ट्रिक मेज इन अ हाउस आर मार्क 220 वोल्ट। ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू बाय डिफॉल्ट? ई आरएमएस है, ई आरएमएस है। तो और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का ये सिग्निफिकेंस है, हमारे घरों में जितनी भी बिजली आती है वो 50 फ्रीक्वेंसी पे आती है। तो यानी कि एक सेकेंड में 50 बार साइकिल चेंज होता है करंट का, तो 50 बार करंट लेफ्ट राइट चला जाता है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करता है, दो करता है, तीन करता है, चार करता है, एक सेकंड में 50 बार करता है। ये स्टैंडर्ड है, इस पूरे जितने भी हमारा जो कंट्री है वो 50 पे चलता है। यूएसए वाले लोग 110 पे चलते हैं, उनकी मशीन 110 पे चलती हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रिक्वेंसी गिवन है, राइट डाउन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होती है? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे पता है कि ई नॉट तो गिवन नहीं, ई नॉट की जगह ई आरएमएस गिवन है, और ई आरएमएस क्या होता है? ई नॉट बाय रूट टू। तो ई नॉट क्या होगा? रूट टू इंटू ई आरएमएस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ओमेगा क्या होता है? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी किया हुआ है हमने ये। तो बस पुट कर दो वैल्यूज। ई नॉट पता है, ई नॉट हमने निकाल लेने राधर, ये रहा ई नॉट कैसे, रूट टू इंटू ई आरएमएस पता है आपको, फ्रीक्वेंसी पता है 50, सॉल्व करके क्या आ गई आपके पास? ईएमएफ की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलेगी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी। ध्यान से, अब ये एसी नहीं है, बैटरी लगी हुई है, डीसी ये चेंज नहीं होगी। तो बल्ब 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी, कह रहा है डीसी हटाओ एसी पे लगा लो, एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस, कह रहा है ठीक चल रहा है 12 वोल्ट पे भी, एसी पे भी ठीक चल रहा है, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स। अब देखो, आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है यार, डीसी वाला बल्ब एसी पे कैसे चल गया, है ना, एसी तो फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए। अब आप अपने मन में सोचो, बल्ब को 12 वोल्ट चाहिए कांस्टेंट, डीसी ने उसको 12 वोल्ट कांस्टेंट दिया था, एसी ने क्या ऐसा दिया होगा उसे कि उसको 12 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाए? एसी की जो आरएमएस वैल्यू अगर 12 वोल्ट हो जाए, एसी की अगर आरएमएस वैल्यू इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाए, तो वो वही काम करती है जो डीसी 12 वोल्ट का कर रहा था बैटरी की फॉर्म में, क्योंकि 12 वोल्ट आरएमएस का मतलब है एक कांस्टेंट वैल्यू, इमेजिन करना है एक कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, वैसे इंस्टेंटेनियस करंट होते हैं, पर वो एवरेज वैल्यू कितनी देती है? 12 वोल्ट। तो बल्ब को तो 12 वोल्ट चाहिए, इसका मतलब आप एक मन में एक वो बना रहे हैं कि अगर डीसी में जो काम हो रहा था अगर वो एसी में हो जाए, तो उसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? आरएमएस निकलेगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि डीसी का डीसी की वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो उसके इक्विवेलेंट एसी में क्या निकलेगा? तो आपने बोलना है ई आरएमएस, तो उसको ई आरएमएस 12 वोल्ट मिली होगी, पर आपको ई नॉट बताना है। तो ई नॉट क्या होता है? रूट टू इंटू ई आरएमएस। आंसर, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ें। देखो क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ दी पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। तो ये क्या गिवन है? ई नॉट गिवन है। रेजिस्टेंस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो 100 वैसे ही पता है मुझे। मुझे क्या निकालना है? आई नॉट। I नॉट की जगह मुझे क्या गिवन है? E नॉट। एक काम क्यों नहीं करते आप, अगर इसमें E नॉट को R से डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? I नॉट। I नॉट आ गया। वैसे इसके दो पार्ट्स हैं, एक RMS करंट निकालो, क्योंकि I नॉट आ गया तो I RMS क्या होता है? 0.707 into I नॉट, आंसर आ गया। और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए I नॉट की वैल्यू हमारे पास 200 है, आंसर आ गया। एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी आप सोच रहे हैं ये फॉर्मूला कैसे चला, अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है और आर गिवन है, इनको डिवाइड करके आपके पास करंट भी मैक्सिमम ही आएगा। लेकिन अगर आपको ई आरएमएस गिवन है, इसको अगर आप आर से डिवाइड कर दें तो करंट भी आए, आरएमएस आएगा। अगर ई आपको मीन गिवन है और आप आर से डिवाइड कर दें तो करंट भी आपके पास मीन ही आएगा। तो जैसी वोल्टेज वैसा करंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए मेरे को इस क्वेश्चन में ई नॉट गिवन है, मैंने आर से डिवाइड किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया? आई नॉट आ गया। ठीक है यहां तक? तो आई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। देखो इसमें कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? आरएमएस। तो ये करंट है और ये टाइम है। अब प्रॉब्लम देखो, हमने जो फॉर्मूला याद कर लिए वो इसके थोड़ी ना है, वो तो साइन वेव के हैं कि अगर ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या आई नॉट साइन, तो वो फॉर्मूला चलते हैं। हर में थोड़ा ना चलते हैं, वेव फॉर्म चेंज करी तो करंट सेम रहेगा ना? सेम नहीं रहेगा। अब आप नया तरीका निकालो जिसमें आप क्या निकालोगे? आई आरएमएस। अब इसकी वेव फॉर्म की इक्वेशन तो गिवन नहीं, पर इसमें करंट भी कितने गिवन है? तीन। पहला करंट कितना गिवन है? दो। दूसरा क्या गिवन है? -2। और तीसरा 2। तीन तो करंट है। और बेसिक तरीका आरएमएस निकालने का पता ही है, I1 square I2 square I3 square by 3 करंट्स हैं अंडर रूट। तो I1 पता है, I2 पता है, I3 पता है, सॉल्व आंसर। ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला यूज करना है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेशन यूज करनी है। करंट जब 3 पता है तो आरएमएस आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक सर? बोलो सर। उसमें एक्सेस की वैल्यू थोड़ी ना थी गिवन थी, चाहिए ही नहीं। नंबर ऑफ इंटरवल चाहिए, 1, 2 और 3, ये नंबर ऑफ इंटरवल होते हैं। कितने करंट हैं? नहीं सर, 2, 2 कैसे आया फिर? ये तो गिवन है ना, यहां पे करंट 2 एम्पियर है, यहां पे -2 है, ये 2 है। ये देखो ग्राफ से, वैल्यूज गिवन है ना, ये देखो 2 एम्पियर नहीं है, फिर करंट -2 हो गया, फिर 2 हो गया। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना।
अब ये जरूरी नहीं है कि आपका करंट स्टैंडर्ड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला कहता है कि मैं एक नई क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे आरएमएस बताओ। तो नई क्वेश्चन क्या है इंस्टेंटेनियस करंट की, आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू टाइम अपॉन टाउ, ये मेरी नई क्वेश्चन है कहता। अब निकाल लो आरएमएस, और मैंने टाइम पूछा जीरो से टी, कहता ना जीरो से टी नहीं जीरो से टाउ तक, तो लगाओ इंटीग्रेशन इसमें और आंसर निकालो। तो इसमें आपको करंट की इक्वेशन ही चेंज कर दी, करंट की इक्वेशन क्या दी आई नॉट टी बाय टाउ, ये देखो। तो करंट की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट टी डिवाइडेड बाय टाउ, ये करंट की इक्वेशन है। तो आप एक काम करें, आपको क्या निकालना है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला हमने क्या किया था, आई स्क्वेयर डी टी, डी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टाउ तक, जीरो से लेके टाउ तक, ये बोला ना उसने आर एम एस करंट कहाँ से कहाँ निकालना है, जीरो से लेके टाउ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट टाइम बाय टाउ का स्क्वायर डी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टाउ तक, और इसकी इंटीग्रेशन स्ट्रेट वे आपको क्या देगी, टाउ देगी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें से अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, टाउ का स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्या बच गया, टी स्क्वायर डी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टाउ तक डिवाइडेड बाय टाउ, ये स्टेप क्लियर है। तो आई नॉट स्क्वायर और टाउ स्क्वायर बाहर आ गए, टी स्क्वायर बच गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप है अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ का क्यूब मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, टी क्यूब बाय थ्री जीरो से लेके टाउ तक, अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर बाय टाउ का क्यूब इंटू टाउ का क्यूब बाय थ्री, ये कैंसल, आंसर आ गया आई नॉट बाय रूट थ्री इज द आंसर, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। वैसे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वैसे एनसीईआरटी में आती नहीं है क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इतना नहीं कर पाते, बट हाँ वैसे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, फिर भी तो आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन के अंदर वो आई का कुछ भी कोई नया फंक्शन ला के दे दे, तो आपका मेथड विल रिमेन सेम। मेडिकल वालों को इतनी इंटीग्रेशन नहीं आती, नॉर्मली आता है, वैसे मेडिकल वालों को नॉर्मली तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी के स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आते हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्वेश्चन आती है, नॉन मेडिकल में आ सकती है, कुछ भी बना के दे सकता है वो आपको, कि नॉन मेडिकल वालों में इंटीग्रेशन की हुई हैं, बट आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो इसमें इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी इज 5 एम, द इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, आरएमएस, इफेक्टिव वर्चुअल आरएमएस एक ही बात है, इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, व्हाट इज द पीक वैल्यू, तो पीक क्या होता है, आई नॉट इज रूट टू इंटू ई आरएमएस, आई आरएमएस, आई आरएमएस का मतलब आई इफेक्टिव, पहला आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, मीन वैल्यू कितनी है, मीन क्या होता है 0.637 इंटू पीक वैल्यू, आंसर। फिर लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड इट वॉज जीरो, तो टाइम दे रहे हैं 1/300, इसका मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 1/300, तो आपको आई नॉट ऊपर से पता है 7.07, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, टाइम आपको पता है, सॉल्व करके साइन ऑफ पाई बाई थ्री आंसर। तो
तो कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस करंट में आपने टाइम को स्मॉल टी को क्या पुट कर देना है, 1/300। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो कब मैक्सिमम निकलेगा, कब मीन निकलेगा, कब इंस्टेंटेनियस निकलेगा? जब इंस्टेंटेनियस निकलेगा फिर टाइम तो मेंशन होगा ही होगा कि टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1/300 सेकेंड पर करंट निकाला जाए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सेवेंथ, आइडेंटिफाई करो इसमें क्या कुछ गिवन है। देखो इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रहा है, आगे प्लीज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रहा है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या, यही तो इसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 140। आंसर आरएमएस वैल्यू कितनी है, जब आपके पास पीक वैल्यू आ गई तो आरएमएस वैल्यू तो पता ही है, ई नॉट बाई रूट टू। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई क्या है, फ्रिक्वेंसी में ये क्या होता है, ओमेगा टी, तो ओमेगा ऑटोमेटिकली कंपेयर करके क्या आएगा, 300 रेडियंस पर सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। तो आपको क्या गिवन है, इसमें आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और एसी सोर्स 220 वोल्ट गिवन है, ऑब्वियसली कौन सा, आरएमएस, कुछ मेंशन नहीं तो आरएमएस। तो अगर आरएमएस करंट निकालो, क्या बताया था, अगर ई आरएमएस को आर से डिवाइड करोगे तो आए आरएमएस। फिर वो कह रहा है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट निकालना है, आई आर एम एस है तो आई नॉट भी आ जाएगा, ये भी पॉइंट क्लियर है। और आखिरी द टाइम टेकन, समय निकाल लो स्मॉल टी, तो कहीं ना कहीं अब इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस टाइम निकालो जब करंट चेंजेस फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आर एम एस वैल्यू, तो आपको इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। आपको दो टाइम निकालने पड़ेंगे, पहला टाइम जब करंट पीक वैल्यू पे था, दूसरा टाइम जब करंट आरएमएस पे था, और फिर दोनों को टाइम को माइनस करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि करंट पीक वैल्यू से आरएमएस पे आ रहा है। देखो करंट जाएगा कैसे, पहले आएगा जीरो पे, फिर आएगा पीक, फिर आएगा आरएमएस पे, फिर आएगा पीक पे, फिर दोबारा आरएमएस पे, फिर जीरो पे। तो दो दो बार आ रहा है, देखो पहली बार आरएमएस से पीक पे जाएगा, फिर पीक से वापस आरएमएस पे आएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर आप इसको ग्राफिकली शो करो, ये आपकी वेव फॉर्म है, तो ये आपकी पीक वैल्यू है, और ये कहीं आपकी आए आरएमएस वैल्यू है, और ये भी आपकी आए आरएमएस वैल्यू है। तो वो एक क्वेश्चन बनता है कि टाइम बताओ कि आए आरएमएस से पीक पे जाना, और एक बनता है पीक से आए आरएमएस पे जाना। हमारा क्वेश्चन ये बना हुआ है, हमें कहा गया पीक से लेके आए आरएमएस पे जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं
कि मान ले आपके पास जो करंट की इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस, वो करंट की ये इक्वेशन है, क्लियर है? तो आप इसमें दो केस बनाएं। केस नंबर वन, करंट क्या पुट करें, पीक, पीक का मतलब आई नॉट, और टाइम निकालें जब करंट इंस्टेंटेनियस पीक के इक्वल है, तो आई को आई नॉट पुट करें और मान लें ऐसा कब हुआ जब टाइम टेकन कितना है टी वन, तो उसने आई इंस्टेंटेनियस करंट पीक बोला, मैंने पीक पुट कर दिया और टाइम है टी वन, तो यहाँ से ये कैंसल, तो वन इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी वन, तो ओमेगा ऑफ टी वन, तो यहाँ से ओमेगा टी वन की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय टू, साइन ऑफ थीटा वन है तो साइन थीटा 90 डिग्री है, 90 का मतलब पाई बाय टू, क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से टी वन की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय टू टाइम्स ओमेगा, तो टाइम आ गया जब करंट कितना था, पीक पे था, क्लियर है यहाँ तक? अब बनाएंगे केस नंबर टू। केस नंबर टू में अब इस करंट की जगह क्या पुट करेंगे, आरएमएस, आरएमएस करंट क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू, तो आई की जगह आई नॉट बाय रूट टू इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी टू, तो मैं मान लो ऐसा कब हुआ जब टाइम कितना है टी टू, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो वन बाय रूट टू इज साइन ऑफ ओमेगा टाइम टी टू, तो ओमेगा ऑफ टी टू क्या आएगा, 45 डिग्री, साइन थीटा वन बाय रूट टू का मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना होता है, पाई बाय फोर, कितने लोग एग्री करते हैं कि पाई बाय फोर आएगा, सही है, 90 प्लस पाई बाय 4 आएगा कि पाई बाय फोर आएगा, देखो मेडिकल वाले तो आराम से बैठे उनको नहीं पता लग रहा, नॉन मेडिकल वाले बताएं कि 90 प्लस पाई बाय 4 आएगा। अच्छा देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये आपकी वेव की इक्वेशन है, ठीक है? आप एक बार जरा मैथ्स को भी माइंड में रखें, मैथ्स ये कहता है कि जब आप कोई साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एंगल क्या होता है जीरो, ये एंगल क्या होता है 90, ये क्या होता है 180, ऐसे होता है हमने, और करंट को याद करो ये आई नॉट से कहाँ पे जाना है, आई आरएमएस, आई नॉट पे जाने का एंगल 90 है, तो ये वाला आई आर एम एस पे जाने का एंगल 90 से कम ज्यादा ही आएगा, मानते हो 90 से कम, तो 45 कैसे आ सकता है, 90 से ज्यादा ही आएगा ना, तो 90 से ज्यादा का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्क तो पड़ता नहीं, तो यहां पर क्या आएगा 90 से आगे कितना, पाई बाय फोर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मेडिकल को नहीं आएगा वैसे ये क्वेश्चन, नॉन मेडिकल वालों के लिए है वैसे ये क्वेश्चन एक्चुअल में, बट आप पता होना चाहिए कि 90 से ज्यादा एंगल क्यों आ रहा है, 90 तो ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, अब हमने कहां से कहां जाना है, हमने आई नॉट से आई आर एम एस पे जाना है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 90 प्लस पाई बाय फोर, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, टी टू आ जाएगा वन बाय ओमेगा पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, बस आपने टी टू को टी वन में से क्या कर देना है, माइनस टाइम टेकन आ जाएगा आंसर, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी से पुट कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जा रही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये टेक्निक इसने यूज़ की हुई है। अब जो आपने क्या करना है, ये ज़रूर ट्राई करने हैं, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम सारी की सारी आपने ही ट्राई करनी है, ये ट्राई करके आना, अगली बार ऐसे मत आना।